आइए बात करनी है एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की। कल वैसे तो हमारे बाजार बंद हैं, बट कल शाम MSCI का इंडेक्स रिव्यू आने वाला है। कैसे होगा ये एडजस्टमेंट, किन स्टॉक्स पर इंपैक्ट आ सकता है, क्या हो सकते हैं इनफ्लोज आउटफ्लोज, जरा समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए, क्या कुछ अनुमान लगा रहे हैं बाजार इस पर? बिल्कुल, जो 6 मंथली रिव्यू होता है नवंबर में होता है नॉर्मली MSCI की तरफ से, उसका अनाउंसमेंट कल देर रात आने वाला है, जिसका इम्पैक्ट हम 15 तारीख को देखेंगे। अनाउंसमेंट की लिस्ट 15 तारीख को आएगी सुबह। काफी सारे स्टॉक्स है जो इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, ऐसा अनुमान लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ काफी सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनकी कैटेगरी बदली जा सकती है। जो एडजस्टमेंट होंगे वो 30 तारीख से लागू हो जाएंगे। इंडसइंड बैंक, पीटीएम, पॉलीकैब और टाटा कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स है जो शामिल किए जा सकते हैं लिस्ट में। सुजलॉन एनर्जी, परसिस्टेंट, APL, अपोलो, MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स से MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लेके चल रहे हैं। शाम जितने भी स्टॉक्स में एडजस्टमेंट होगा, या तो आपको इनफ्लो दिखाई देगा या फिर आउटफ्लो। जो भी स्टॉक्स एंट्री लेंगे वहां पे आपको भारी भरकम इनफ्लो दिखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जिनके वेटेज में एडजस्टमेंट होगा और जो बाहर होंगे इंडेक्स से, उसमें आपको आउटफ्लो नजर आएगा। तो कहां पे इनफ्लो एक्सपेक्ट करना है, इंडसइंड बैंक सबसे ऊपर है क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा इनफ्लो आने की उम्मीद है। करीबन 2400 करोड़ का इन्फ्लो यहाँ पे आ सकता है। सुजलॉन देखे तो 2200 करोड़ का इन्फ्लो लेके चल रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम में भी 2100 करोड़ का इन्फ्लो आने की उम्मीद है। APL अपोलो की बात करें तो यहाँ पर भी 1800-1900 करोड़ तक का इन्फ्लो आ सकता है। पॉलीकैब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा क्योंकि इसके आने से करीबन 1600 करोड़ का इन्फ्लो आपको देखने को मिल सकता है। माइक्रोटेक डेवलपर में भी अनुमान ये है कि 1500 करोड़ तक का इन्फ्लो आ सकता है। टाटा मोटर्स, DVR, PTM और टाटा कम्युनिकेशन, ये तीन स्टॉक ऐसे हैं जहां पे आपको 1300-1400 करोड़ तक का इन्फ्लो इन स्टॉक का शामिल होने पे आपको आते हुए नजर आएगा। लेकिन काफी सारे स्टॉक्स हैं जो MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किए जा सकते हैं। कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। कोकलदास एक्सपोर्ट, SJVN, HCC, PTC इंडिया, अरविंद, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, फोर्स मोटर्स, PG इलेक्ट्रोप्लस, ऐसे कुछ नाम सामने आ रहे हैं जहां पे इन सारे स्टॉक्स को MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। अगर ये शामिल होते हैं तो यहां पर भी आपको इनफ्लो देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में से कुछ ऐसे शेयर्स है जो बाहर होने की उम्मीद लेके चल रही है बाजार, जहां पे जिंदाल स्टेनलेस, डालमिया भारत, वोडोफोन, BHEL, थर्मैक्स, लिंड इंडिया, ACC, इंडियन बैंक और एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स हैं जो शायद यहां से बाहर होंगे। और अगर ये बाहर होते तो यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिलेगा। तो कल देर रात अनाउंसमेंट आएगा, एडजस्टमेंट 30 तारीख को होगा और काफी सारे एडजस्टमेंट्स के अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़ा रीजिक होने वाला है, सिक्स मंथ जो होता है, हाफ ईयर होता है। चलिए तो रखेंगे नजर कल देर शाम या कह सकते हैं परसों सुबह हमारे लिए, परसों बाजार खुलने से पहले ये लिस्ट हमारे सामने होगी। चलिए तो फिर उस समय नुपुर से दोबारा रिव्यू लेंगे कौन कौन से नाम आ गए हैं फाइनली, बट अनुमान है काफी सारे और स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में और स्मॉल कैप्स में कई सारे एडजस्टमेंट्स आपको होते हुए देख सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स हमारे रेडार पर रहेंगे। शुक्रिया नुपुर ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के।